हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही डिलीशियस मैंगो मस्तानी की रेसिपी। जैसे इस रेसिपी के नाम में मस्तानी जुड़ा है, वैसे ये रेसिपी भी बहुत मस्त है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आम लिए थे। मैंने 1.5 आम को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करके रख लिया है और मैंने यहाँ पर लिया 1 गिलास दूध, शुगर और 1/2 आम मैंने कट करके उसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए थे, ये मैंने गार्निश के लिए लिया है। और मैंने यहाँ पर लिए थोड़े से बादाम जिनको मैंने कट कर लिया था, थोड़े से कटे हुए काजू और टूटी फूटी, और मैंने यहाँ पर लिया वनीला आइसक्रीम, ये मैंने होममेड वनीला आइसक्रीम लिए। हम इसमें अनार भी यूज़ करेंगे, उससे इसमें क्रंची फ्लेवर आएगा। अब हम लोग एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें अपने कटे हुए आमों को डाल देंगे। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। मैंने सारे आमों को जार में ले लिया है। ब्लेंड करने से पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अभी हमने इसमें सारा दूध नहीं डालना है, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 गिलास दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ। इससे इसमें बहुत ही क्रीमी और बहुत ही हेल्दी फ्लेवर आता है। यदि आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। कितना स्मूथ और कितना क्रीमी पेस्ट बना है। आपने भी ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अभी ये ठीक है, इसमें अभी हम लोग और दूध डालेंगे। अभी मैं यहाँ पर 1/2 कप दूध और डाल रही हूँ। अब हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये थिकनेस परफेक्ट है। आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास। उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे कटे हुए आम। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस किए थे। अब हम इसमें डालेंगे अनार। मैं यहाँ पर 1 से 2 बड़े चम्मच अनार यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे इसमें क्रंची फ्लेवर आएगा। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए और थोड़े से काजू लिए। मैंने इसको पहले कट कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आइसक्रीम लिए है। यदि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैंगो पेस्ट। हमने गिलास को फुल नहीं भरना है, हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसको अभी गार्निश भी करना है। गार्निश करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी आइसक्रीम। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आइसक्रीम डाल रही हूँ। आप यहाँ पर मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं या 2 फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए आम। आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ के आम कट किए थे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़े से काजू लिए हैं। आप इसमें थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से किशमिश भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से अनार।
गार्निश करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप या फिर रूअफज़ा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंगो मस्तानी बनके हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये देखने में कितना स्मूथ है, कितनी क्रीमी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।